हेलो गाइस, कैसे हो आप। मैं संगीता, आज मेरे किचन में आप लोगों का स्वागत है। मैं आपको गर्म मसाला बताऊंगी कैसे बनाया जाता है, और ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी बनता है। इससे सब्जियां जब बनाते हो ना तो बहुत अच्छी महक आती है, बहुत अच्छी खुशबू आती है इससे। और जो आप बाज़ार से खरीद लाते हो ना, आप बाज़ार के बजाय आप घर पर बनाइए और बहुत अच्छा बनेगा। चलिए हम आपको बताते हैं। हमने ये थोड़ा सा जीरा लिया है, थोड़ी सी लौंग ली है, दालचीनी ली है, बड़ी इलायची ली है, तेज़पत्ता लिया है, एक सौंठ का टुकड़ा लिया है, छोटी काली मिर्च ली है, साबुत 6-7 लाल मिर्च ली है, साबुत धनिया लिया है, 4-5 छोटी इलायची है, जायफल है। चलिए हम आपको बताते हैं। अब गाइस, हमने इसमें अपना फ्राई पैन रख दिया है। अब हम अपने मसाले को भून लेते हैं। इसमें हम जीरा डालेंगे, लौंग डालेंगे, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और तेज़पत्ता और सौंठ और काली मिर्च और साबुत लाल मिर्च और साबुत धनिया डालेंगे। अब इसको हम सबको अच्छी तरह से मिला देंगे। गाइस, इसको आप भून के बनाओगे ना तो बहुत अच्छा बनेगा। इसको हम थोड़ा सा भून लेते हैं, और भूनने के बाद इसे हम मिक्सी के जार में डाल के और मिक्सी में पीसेंगे इसको। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और शेयर करना। गाइस, हमारा मसाला भुन गया है। अब इसमें हम इसको डाल देते हैं मिक्सी के जार में। अब इसका हम ढक्कन भी लगा देते हैं। ये देखो गाइस, हमने मसाला पीस लिया है। कितनी अच्छी महक आ रही है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। अगर आप भी अगर ऐसे ही बनाएं, बाज़ार से ना लाकर और घर में गर्म मसाला बनाएं, तो कितना अच्छा स्वाद आता है सब्जी में भी डालने में। ये देखो, और बहुत जल्दी से बन जाता है ये गर्म मसाला अपने घर में। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और शेयर करना। कमेंट में हमें ज़रूर बताना हमारा आपको गर्म मसाला कैसा लगा। ये देखो गाइस, कितना अच्छा हमारा गर्म मसाला बना है। हमने इसमें सारी चीज़ें डाली थी, सारी चीज़ें आपको बताई हैं। आप भी ऐसे ट्राई करना अपने घर पर। कॉमेंट में हमें ज़रूर बताना हमारा गर्म मसाला आपको कैसा लगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कॉमेंट करना।